इमोशंस निकले बाहर कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि अपग्रेडेड वर्जन ऑफ करोड़ों की बातें होना चाहिए और नाम होगा प्यार की बातें पैसों के साथ, ऐसे के साथ है ना। परफेक्ट। वाह, ये हनित के साथ पर्सनल सेशन की वजह से ये जो फ्लो निकला वो निकला। आई थिंक प्यार तो दिल में पैदा हो। हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। और ये पैसे हैं और जो रील आप देख रहे थे ये मैंने लगभग पिछले के पिछले वैलेंटाइन पे पैसे के साथ मैंने वो रिश्ता बनाया था कि मैं तुमसे ही प्यार करूंगी, क्योंकि एक बात तो इन 45 सालों में समझ में आ गई थी मुझे कि व्यक्ति से प्यार किया तो व्यक्ति छोड़ के भाग गया, लेकिन जब पैसे से प्यार किया तो वो भागा हुआ व्यक्ति जो छोड़ के चला गया था 11 साल पहले, अब वो अपनी पत्नी के साथ बोलता है क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं। दैट इज द पावर ऑफ धन लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, पैसा। और इसमें मुझे, आज मैं 49 इयर्स की हूँ गाइस, अगले साल अब सितंबर में मैं 50 इयर्स की हो जाऊंगी, और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं है कि हाँ मैं पैसे से प्यार करती हूँ। और शायद ये ऐसा स्टेटमेंट है कि कई लोग पैसे को जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहने से डरते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, कि लोग जज ना करें कि अच्छा तुम पैसे पैसे के बारे में क्यों बात करती हो, तुम हमेशा पैसे के बारे में सोचती हो, है ना, तुम्हारे लिए कोई रिश्ते नहीं बचे हैं, तुम हमेशा पैसे के पीछे भागती रहती हो। लोग ऐसा ना कहें, लोग आपको जज ना करें, इसलिए कई बार आप अपने दिल की बात पैसे से नहीं कह पाते हैं। करोड़ों की बातें करते करते आज मैं यहाँ आई हूँ। मैंने अपना भविष्य बदल लिया एज अ सिंगल पेरेंट। मैं जानती हूँ 26 रुपए का बैंक बैलेंस, कभी 100 रुपए का बैंक बैलेंस, कभी 70 रुपए का बैंक बैलेंस, क्योंकि कभी पैसे से प्यार नहीं किया था मैंने। आज वैलेंटाइन डे है, बता रही हूँ, पिछले 3 सालों से वैलेंटाइन डे मैं सिर्फ इस पैसे के साथ मनाती हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस पैसे की एनर्जी के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करती हूँ। बिकॉज हम सब एनर्जी हैं, आप ये चूज करिए आप किस एनर्जी के साथ अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने इस एनर्जी के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना शुरू किया तो मेरे पास इतना धन आया, इतना धन आया कि करोड़ों की बातें और करोड़ों वर्ड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूं मैं, है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये कई बार मैंने करोड़ों की बातों में बताया है। पैसे से प्यार करना बहुत जरूरी है। पैसा एक एनर्जी है जिसको हमने कई बार बहुत गलत गलत कहा है। पैसे की वजह से ये हो जाता है, पैसे की वजह से भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पैसे की वजह से उसने उसका खून कर दिया, पैसे की वजह से उसने इतना घोटाला कर दिया। पैसे की वजह से कर दिया या पैसे की कमी की वजह से कर दिया? पैसे की कमी थी ना दोनों भाइयों के पास, तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने में लगे हुए थे। पैसे की कमी थी ना किसी के पास, तो उसने उसका कत्ल कर दिया। पैसे की कमी थी ना तो एक अंडे वाले के पास एक बंदा गया कि अंडा दे दो, और अंडे वाले ने जब पैसा मांगा तो उसने एक चाकू मार दिया, और ऐसी खबरें हम बहुत सुनते रहते हैं। पैसे की वजह से या पैसे की कमी की वजह से? इतने गलत शब्द बोले हैं ना हमने पैसे को, और फिर वो पैसा क्यों आएगा? आप मुझे गलत बोलेंगे, मैं क्यों आऊंगी आपके पास? आप जब इतना प्यार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बार बार लाइव चले जाओ, बार बार आपके लिए कुछ तो वीडियो बना दो, इंस्टा पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं एक एनर्जी हूं और आप मुझे प्यार की एनर्जी भेज रहे हैं। उसी तरह से आप समझिए पैसा भी एक एनर्जी है जिसको हमने नफरत भेजी है। मैंने शुरुआत की थी इंडियन रुपीज, अगर आप इंस्टा रील जाके देखेंगे अंजना 2309 पे, पैसे के साथ वैलेंटाइन मनाया था मैंने 2 साल पहले इंडियन रुपीज के साथ। आज मेरे पास दिरहम है, आज मेरे पास यूएस डॉलर है, उस टाइम पे नहीं थी। आज मेरे पास आई थिंक थाई भात है, ये थाई भात है, ये बाली का रुपया है, ये दिरहम है, ये सिंगापुरियन डॉलर है, ये इंडोनेशिया है, और ये पाउंड्स हैं।
आप समझ रहे हो, जब पैसे से आप प्यार करते हैं ना, तो पैसा खाली भारतीय पैसा नहीं है मेरे पास, भारतीय पैसा सारे देशों के पैसे को बोलता है चलो अंजना के पास चलते हैं। अंजना बहुत प्यार करती है, तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा अंजना से, क्योंकि अंजना को प्यार है पैसे से, तो पैसे को अच्छा लगता है। मुझे पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसा खुद मेरे पास आता है, उतनी एनर्जी मैंने अपनी बढ़ा ली है। और पैसे को, जब आपको मेरी एनर्जी पसंद आती है तो आपको क्या लगता है पैसे को मेरी एनर्जी पसंद नहीं आती? बिल्कुल आती है, वो हर बार मेरे पास आना चाहता है, बार बार आना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि पैसे को एनर्जी कैसे देनी है, पैसे अपनी एनर्जी को किस तरह से हाई करना है कि पैसे की एनर्जी आप तक पहुंच जाए। तो करोड़ों की बातें मैंने बहुत लिया है पिछले 2-2.5 सालों में, और बुक भी है करोड़ों की बातें, 40 से 40 करोड़ मेरी पहली बुक, और वेबिनार इतना लिया है कि लगभग आई थिंक देश और विदेश में हजारों की संख्या में लोग जान चुके हैं कि पैसे के साथ किस तरह का आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या करेंगे तो पैसा आएगा। और उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि कितने करोड़पति बन चुके हैं करोड़ों की बातें करते करते। तो अब वक्त आ गया है, कल मैं हनित से बात कर रही थी, हनित अंजना आर्मी में है, और इस वक्त 11:01 हो रहा है, 14 फरवरी, बहुत अच्छा टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो वन सेकेंड, यस 23:01 यानी 111 हो रहा है। सो कल मेरी अंजना आर्मी के हनित से बात हो रही थी, और उसने मुझसे एक सवाल किया कि मैम एक बात बताइए, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे के लिए और क्या कर सकती हूँ? और उस वक्त मेरे मुंह से जो निकलता गया, और मुझे लगा कि अरे मैंने तो कितनी सारी बातें ऐसी बता दी हैं कि जो अगर दुनिया को पता पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, मैंने हनित को बोला कि यार जब ऊपर से ज्ञान आ रहा है तो ज्ञान बांटना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था मैं वेबिनार अब नहीं लूंगी और नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली नॉलेज देना शुरू कर दिया है, एनर्जी देना शुरू कर दिया है। लेकिन कल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो लोग नहीं आ सकते हैं, जिन्होंने करोड़ों की बातें सीख लिया है मुझसे लेकिन उसके आगे का नहीं पता, तो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ करोड़ों की बातें करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी मैं पैसे से रिलेटेड कि आपको मजा आ जाएगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा कोई करता है। एक मैंने लव लेटर लिखा था पैसे को, मुझे आज भी याद है, उसके पहले तक मैंने YouTube पे कभी मैंने कभी नहीं देखा था कि किसी ने लव लेटर लिखा हो। अब दुनिया लिखती है वो बात अलग है, बट मैंने जब लिखा था वो भी मेरा प्यार था, और अब तो खैर सब लिखते हैं। सो उसी तरह से फिर से मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सी फ्रीक्वेंसी आई है ऐसी कि मैंने अगर पैसे के साथ ये कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि आपने देखा, पैसे के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग शूट करने से पैसे को मुझसे प्यार हो गया, तो क्यों नहीं पैसे के साथ कुछ और कर लिया जाए जिससे पैसे को आपसे प्यार हो जाए। और करोड़ों की बातों का अपग्रेडेड वर्जन, नाम भी आ गया, मुझे हनित नहीं बताया, प्यार की बातें पैसों के साथ। आई सेड वाओ, करोड़ों की बातें तो हमने बहुत कर ली, लेकिन क्यों ना इस पैसे की एनर्जी के साथ थोड़ी सी प्यार की बातें कर ली जाए, और विश्व भर की सारी करेंसी आपके वार्डरोब में होगा तो ज्यादा मजा आएगा। सो यस, मैं लेकर आ रही हूं मेरा नया वेबिनार आप सबके लिए। हर बार नहीं लेती हूं, आपको पता है, और ये है पहला नया वेबिनार लॉन्चिंग इन 2024, प्यार की बातें पैसों के साथ, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ करोड़ों की बातें। और मिलती हूं मैं आपसे किस दिन? 3 मार्च को 3 PM पे, वैल्यू होगा उसका 3000। सो हम 333 नंबर के साथ प्ले करेंगे, और बहुत सारी बातें बताऊंगी किस तरह से मेरा पैसे के साथ किस तरह से सफर शुरू हुआ था। हम करोड़ों की बातें नहीं करेंगे गाइस, हम अपग्रेडेड वर्जन ऑफ करोड़ों की बातें करेंगे, इसका मतलब प्यार की बातें करेंगे पैसों के साथ। और आज वैलेंटाइन है, और रजिस्टर्ड करा सकते हैं, वैलेंटाइन पर ही रजिस्टर कराइए और बताइए पैसे को कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार एक्सप्रेस कीजिए, दिल से एक्सप्रेस कीजिए, पैसे को बोलिए मैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और आज वैलेंटाइन पे मैं तुमसे ही प्यार की बातें करने का कमिटमेंट ले रही हूँ। और गाइज, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो अभी रजिस्टर कराइए 8433558905 पे। आयुषी को कह दीजिए हमें प्यार है पैसों से, और हमें करनी है प्यार की बातें पैसों के साथ। यही आपका स्टेटमेंट होना चाहिए जब आप रजिस्टर कराएं। आई टेल यू,
मनी की बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आपके पास आएगी आपकी एनर्जी देख के. लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू. कसम है कसम.